नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे वार्ड पार्षद के परिवार को अब नहीं मिलेगा ठेका। बिहार के सभी शहरी निकायों के पार्षद अब अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर किसी निविदा को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। इसका साफ मतलब यह हुआ कि वह खुद या उनके परिवार का कोई सदस्य ऐसा कोई ठेका नहीं ले सकेंगे जिससे जुड़ी समिति में पार्षद सदस्य होंगे, क्योंकि बिहार सरकार के नए संशोधन में अब सरकारी ठेकों में स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की दखलंदाजी खत्म कर दी जाएगी। यानी कि वार्ड पार्षद अब न तो खुद और न ही अपने किसी परिवार के सदस्य या रिश्तेदार को कोई ठेका दिला सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 53 में संशोधन कर दिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद से वार्ड पार्षद को एक बड़ा झटका लगा है। इससे यह साफ हो गया है कि अब निकाय के प्रतिनिधि किसी भी ठेका में दखलंदाजी नहीं कर सकेंगे। इस पूरे मामले को लेकर नीतीश सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सरकार की तरफ से किए गए इस संशोधन के बाद वार्ड पार्षद के परिवार का कोई भी सदस्य अब ठेका में शामिल नहीं हो सकता है। बिहार विधानसभा में पिछले दिनों बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। इस संशोधन में निकायों में सरकारी ठेकों के बंदरबांट करने वाले निकाय प्रतिनिधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। अब वार्ड पार्षद ऐसी किसी भी निविदा के निस्तारण संबंधी समिति की बैठक का हिस्सा नहीं बन सकेंगे जिससे उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को सीधा लाभ पहुंचता हो। आपको बता दें कि राज्य के विभिन्न निकायों में चल रही केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत कराए जाने वाले कार्यों को वहां के कुछ वार्ड पार्षद प्रभावित करते हैं। कई मामलों में तो वे खुद या उनकी पत्नी अथवा बच्चे ठेकेदारी कर रहे हैं। सरकार का यह भी मानना है कि ठेकों में निकाय प्रतिनिधियों की दखल के चलते सरकारी कार्यों की गति और उसकी गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है। ऐसे मामले में बीते दिनों विभाग और सरकार तक भी कई मामले पहुंचे हैं। इन्हीं सब को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका विधेयक में किए गए नए संशोधनों में इसे शामिल किया गया है। इसके अलावा शहरी निकायों की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी अतिक्रमण पर भी लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब अतिक्रमणकारियों को 20,000 तक जुर्माना चुकाना होगा। वही सशक्त अस्थायी समिति के अधिकारियों को भी घटाया गया है। अब वे पदधारकों को बहुमत से प्रस्ताव पारित कराकर भी नहीं हटा पाएंगे। वहीं पदाधिकारियों के ऊपर लटकने वाली तबादले की तलवार भी हट गई है। वैसे तो राज्य में नगर निकायों के आम चुनाव साल 2022 में होने वाले हैं, लेकिन जो नगर निकाय नए अस्तित्व में आए हैं उन्हें पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं। अगर उन नए निकायों में इस साल चुनाव नहीं होते हैं तो उनको आम निकाय चुनाव के लिए 1 साल का इंतजार करना होगा। ऐसी स्थिति में उन जगहों पर करीब 1 साल ना नगर सरकार होगी और ना ही पंचायत सरकार होगी। निकाय के बारे में जानकारी रखने वालों की माने तो 1 साल तक नवगठित निकायों को ऐसे ही छोड़ा जाना व्यावहारिक नहीं है। इसीलिए इसकी पूरी संभावना है कि उन जगह राज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी होने के 6 माह के भीतर चुनाव हो। नए निकायों में नई जगहों से दावा आपत्ति आ रही है। नए निकायों से सटे गांव जो निकाय में शामिल नहीं हो पाए हैं वे जिलाधिकारी स्तर पर जाकर नगर निकाय में शामिल होने की कोशिश में हैं। इससे उलट कई जगहों पर निकाय में शामिल होने पर आपत्ति भी है। ऐसे में अब राज्य सरकार निकायों को लेकर ठोस फैसले लेने पर विचार कर रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।